Moment of inertia of a hollow cone having mass m and radius r with an axis passing through its center and perpendicular to its plane. Now, solid cone और hollow cone क्या difference है दोनों में? देखिए, हम जानते हैं कि जैसे अब हमारे पास बहुत सारे methods मालूम हो गए हैं इसके cone के, तो हम ये क्या करेंगे कि एक hollow cone है, right? This is a hollow cone और जिसकी radius है यहाँ से r, ठीक है, फिर वहीं से यहां से एक डिस्टेंस पर एक एलिमेंटल स्ट्रिप कट करेंगे यहां से एक्स लेंथ पर, तो क्या हो जाएगा यहां से, ये देखिए, और इसकी थिकनेस हो गई dx, राइट, दिस थिकनेस इज dx, तो dx यहां से वर्टेक्स से एक्स डेप्थ नीचे एक dx थिकनेस की स्ट्रिप अगर हॉरिजॉन्टल से कट करेंगे तो एक स्ट्रिप ज़ूम करेंगे और ये मानते हैं कि इसकी रेडियस है r, रेडियस ऑफ दिस स्ट्रिप इज r, राइट, और ये देखिए ये लेंथ है dx, तो ये स्लेंट हाइट क्या हो जाएगा, देखिए उसको हम देखते हैं, ये स्लेंट हाइट दिस विल बी इक्वल टू, देखिए अब बेसिकली ये ऐसे है, नाउ दिस इज dx और स्लेंट हाइट ऐसे है हमारा, राइट, तो दिस पार्ट इज dx और ये एंगल थीटा है, ये एंगल है थीटा, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये देखिए ये स्लेंट पार्ट ये हो जाएगा, दिस इज dx sec थीटा, देखिए अगर इस स्लेंट पार्ट की हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ये स्लेंट पार्ट, तो दिस विल बी इक्वल टू dx sec थीटा, राइट, क्यों, क्योंकि देखिए ये जो यहां से प्लेन से कट किए हुए तो दिस इज dx, राइट, और ये वर्टेक्स है और ये है स्लेंट पार्ट, ये इसका वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, तो दिस इज dx sec थीटा, क्योंकि देखिए ये बड़ा होगा इससे और dx cos थीटा का तो कम होगा, ये इसमें और इसमें रिलेशन है, अगर इसको हम डेल्टा l मानते हैं, डेल्टा l अगर मानते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा dx by डेल्टा l, dx by डेल्टा l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos थीटा, देयरफॉर डेल्टा l क्या हो जाएगा dx by cos थीटा यानी dx sec थीटा, राइट, तो ये हो गया हमारा dx sec थीटा, राइट, अब चलिए फिर वहीं पर आ जाएं, नाउ व्हाट इज मास ऑफ दिस एलिमेंटल स्ट्रिप, तो अगर इसको हम dm से डिनोट करते हैं, मास ऑफ दिस एलिमेंटल स्ट्रिप इसको dm से डिनोट करते हैं, तो इसका कोन का टोटल मास m है, तो कितना हो जाएगा, दिस इज m डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा, अब ये देखिए मास पर यूनिट एरिया लेंगे हम, तो ये स्लाइड पोर्शन, ये एरिया, ये जो स्लाइड पोर्शन लेते हैं ये कितना हो जाएगा, पाई आर इंटू एल, पाई आर इंटू स्लाइड हाइट, तो ये हो जाएगा दिस इज पाई आर, और ये स्लाइड हाइट कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच, ये हाइट एच है फिर इसकी, जैसा हमने पहले प्रॉब्लम में लिया था, दिस हाइट इज एच, राइट, तो ये हो गया हमारा पाई आर एल, और ये एच कितना हो जाएगा, दिस इज ऑफ कोर्स सॉरी ये स्लेंट हाइट पाई आर इंटू एल, ये स्लेंट हाइट एल कितना हो जाएगा, दिस इज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, तो दिस इज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, नाउ दिस इज मास पर यूनिट एरिया, नाउ एरिया ऑफ दिस एलिमेंटल स्ट्रिप, तो एरिया एरिया ऑफ दिस एलिमेंटल स्ट्रिप कितना हो जाएगा, दिस इज टू पाई स्मॉल आर, अगर मानते हैं कि इस स्ट्रिप की रेडियस है आर, तो दिस इज टू पाई स्मॉल आर इनटू थिकनेस डीएक्स सेक थीटा, तो टू पाई आर सेक थीटा इनटू डीएक्स, राइट, तो दिस इज मास पर यूनिट एरिया एंड देयरफॉर डीआई क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ दिस एलिमेंटल पोर्शन, दिस इज dm into r square, dm into r square and therefore i क्या हो जाएगा, i is integration of this i, तो इसका लिमिट हो जाएगा 0 to h, 0 to h और dm r square, अब ये देखिए, अब यहां पर एक चीज और हम आपको ये निकाल लेते हैं, रिलेशन क्या हो जाएगा यहां से, फिर देखिए r और इसमें हम जैसा निकाल चुके हैं
कि r और x में क्या रिलेशन होगा, पीछे वाले प्रॉब्लम में r इज इक्वल टू आर एक्स बाई एच ये निकाल चुके हैं, सिमिलर है वैसा ही आर एक्स बाई एच। तो अगर यहां से अगर डीएम का वैल्यू पुट करते हैं, यहां से ये देखिए ये पाई और ये पाई कैंसल हो गया, जब डीएम का वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए डीएम सबसे पहले 2m, दिस इज 2m, नाउ आर सेक थीटा डीएक्स देखिए, और 2m, अब ये हो गया r sec theta, 2m sec theta, right, by r into r square plus a square, ये हो गया r into r square plus a square, अब ये देखिए यहाँ पर एक है r और दूसरा यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है r और dx, right, तो और यहाँ पर एक है आर स्क्वायर, देखिए डीएम ये तो डीएम हुआ, डीएम के साथ में आर है इंटू डीएक्स है, ये तो है ही है इंटू आर स्क्वायर, तो ये आर और ये आर मिलकर क्या हो जाएगा, दिस इज आर क्यूब इंटू डीएक्स, राइट, आर क्यूब इंटू डीएक्स, ये हो गया हमारा फाइनल, राइट। तो यहां से अब ये देखिए आर क्यूब का वैल्यू हम लिख देते हैं आर एक्स बाई एच, राइट, आर क्यू का वैल्यू हम लिख देते हैं आर एक्स बाई एच, तो यहां से कितना हो जाएगा आर एक्स बाई एच, दिस विल बी इक्वल टू, फिर यहीं से इंटीग्रेशन, ये कॉन्स्टेंट पार्ट को बाहर निकाल लेते हैं हम, दिस इज टू एम सेक थीटा आर इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, राइट, और ये क्या हो जाएगा, अब यहां से हो गया इंटीग्रेशन, अब देखिए आर हो गया हमारा आर क्यूब है, तो आर क्यूब को ये करेंगे, आर क्यूब को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आर क्यूब एक्स क्यूब और बाई एच क्यूब, नाउ दिस इज आर क्यूब एक्स क्यूब बाई एच क्यूब और इंटू ये कितना हो जाएगा डी एक्स, राइट, दिस इज डी एक्स। अब ये देखिए यहां से सेक थीटा यहां देखिए क्या हो जाएगा, सेक थीटा विल बी इक्वल टू, यहीं से सेक थीटा को हम कर सकते हैं 2m बाई दिस इज, अब ये सेक थीटा यहां पर देखिए सेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से देखें हम सेक थीटा, तो ये दिस इज हाइपोटेन्यूस बाई बेस, यानी ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइडेड बाई एच, राइट, दिस इज वैल्यू ऑफ सेक थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये स्लैंट राइट हो जाएगा डिवाइडेड बाई एच, ये हो गया सेक थीटा, तो सेक थीटा का वैल्यू अगर ये करेंगे तो देखिए यहां पर सेक थीटा का वैल्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एच करेंगे तो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उससे कट जाएगा ऊपर से, नीचे में बाई एच होगा, तो दिस इज टू एम बाई आर, एच बच रहा है नीचे में ये छोटा वाला एच और एच क्यूब है ये, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज एच पावर फोर, राइट, दिस इज एच पावर फोर, राइट। अब ये देखिए अब यहां पर ये तो एच वाला टर्म खत्म हो गया, यहां पर क्या है हमारा आर क्यूब है और ये आर है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज आर स्क्वायर, नाउ यहां पर इंटीग्रेशन का सिंबल देंगे हम, ठीक है। अब एक्स क्यूब डीएक्स देखिए ये हुआ एक्स क्यूब डीएक्स, और बेटर है इसको यहीं पर इंटीग्रेट कर दें हम, एक्स क्यूब डीएक्स, एक्स क्यूब डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स पावर फोर, एक्स पावर फोर डिवाइडेड बाई फोर, लिमिट हो गया जीरो टू एच, राइट, और ये देखिए कुछ नहीं है यहां पर, अब ये हो जाएगा हमारा 2 बाई फोर, ये 2 से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम में, तो दिस इज हाफ, दिस इज हाफ, और ये हो गया m, दिस इज हाफ m, राइट, और ये देखिए r से तार क्यूब कट गया था ये, राइट,
दिस इज 2mr स्क्वायर, ये तो कट गया था, इस r से ये r क्यूब कट के r स्क्वायर हुआ था, तो ये r से r क्यूब कट गया, ये नहीं है अपन, हाफ m हुआ, राइट, r स्क्वायर है, और ये देखिए अब अपर लिमिट रखेंगे तो h पावर 4 हो जाएगा, h पावर 4 से h पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज हाफ mr स्क्वायर, राइट। तो अब ये आ गया कि दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कोन इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर एंड दिस विल बी द आंसर। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो कोन कहा गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो कोन कहा गया कितना, हाफ mr स्क्वायर, ध्यान रहिए जहां पर m उसका मास है और r उसकी रेडियस है, इट इज इरेस्पेक्टिव ऑफ हाइट ऑफ द कोन,